और आप अगर क्वालिटी म्यूजिक सुनना पसंद करते हैं तो फिर ये सिस्टम आपके लिए सबसे बेस्ट रहने वाला है। अब यहाँ पर मैं अपने ओपिनियन की बात करूँ इस पूरी लिस्ट में, तो सबसे पहले मैं नंबर वन प्रायोरिटी पर रखूंगा, और ये सिस्टम दोस्तों जिस प्राइस में आता है उससे कहीं ज्यादा प्राइस को ये जस्टिफाई करता है। हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल गैजेट्स मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों अगर आप अपने लिए एक होम थिएटर सिस्टम परचेस करने का प्लान बना रहे हैं और बजट है 8,000 रुपए से कम, यानी 5,000 रुपए से 8,000 रुपए के बीच में आपका बजट है, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ 5,000 रुपए से 8,000 रुपए के बीच के वो होम थिएटर सिस्टम जो कि एक अच्छे ब्रांड की तरफ से आते हैं, अच्छी साउंड क्वालिटी के साथ में आते हैं, अच्छी बिल्ड क्वालिटी के साथ में आते हैं और अपनी प्राइस को अच्छे से जस्टिफाई करते हैं। यहाँ पर आप जितना पैसा पे कर रहे हैं उतनी ही क्वालिटी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। और दोस्तों आपका बजट अगर 8 से 10,000 रुपए के बीच में है, या 5 से 8,000 रुपए के बीच में है, या 5,000 से नीचे और 3,000 रुपए से भी नीचे है, तो इन सभी प्राइस सेगमेंट में भी मैंने अच्छे अच्छे सिस्टम के बारे में प्रॉपर वीडियो बनाए हुए हैं। सभी का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन और एन स्क्रीन पर लगा दूंगा, तो इस वीडियो को देखने के बाद में आप उन वीडियो को देख सकते हैं, तो वहां पर आपको अपने लिए एक अच्छा सिस्टम मिल जाएगा। तो फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आप अगर इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए, और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं पर ऐसे ही बजट कैटेगरी में बेस्ट प्रोडक्ट के वीडियो लेकर के आता रहता हूं। तो शुरू करते हैं और बात करते हैं सबसे पहले सिस्टम के बारे में। ये आता है FND की तरफ से, FND F3800X। और यहां पर मैं सबसे पहले सिस्टम के डिजाइन की बात करूं तो ये एक 5.1 चैनल सिस्टम है, यानी कि यहां पर आपको 5 सैटेलाइट स्पीकर और एक सबवूफर देखने को मिलता है, साथ में एक रिमोट कंट्रोल भी देखने को मिलता है। और डिजाइन की मैं बात करूं तो डिजाइन आपको कुछ ऐसा देखने को मिलता है, फ्रंट फायरिंग आपको स्पीकर देखने को मिलता है, साइड में बेस आउट होल देखने को मिलता है, और यहां पर एक साइड कॉर्नर पर आपको SD कार्ड और USB पोर्ट देखने को मिलता है, बीच में आपको एक छोटी सी डिस्प्ले देखने को मिलती है और उसके आसपास में आपको कुछ और कंट्रोल देखने को मिल जाते हैं। बिल्ड क्वालिटी की यहां पर मैं बात करूं तो कैबिनेट आपको वुड का देखने को मिलता है, सैटेलाइट स्पीकर सभी के सभी प्लास्टिक के देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर मैं बात करूँ साउंड क्वालिटी की तो यहाँ पर आपको 5 सैटेलाइट स्पीकर देखने को मिलते हैं, 3 इंच के फुल रेंज और 5.25 इंच का सब वूफर देखने को मिलता है। और टोटल आउटपुट की बात करूं तो 80 वॉट RMS का पावर आउटपुट यहां पर देखने को मिलता है। और ओवरऑल में साउंड क्वालिटी की बात करूं तो बेस आपको यहां पर काफी अच्छा देखने को मिलेगा। FND का सिस्टम है इसलिए यहां पर आपको साउंड क्वालिटी काफी बेटर देखने को मिलती है, क्योंकि इस ब्रांड के अंदर आपको काफी अच्छी क्वालिटी देखने को मिल जाती है। इसके अलावा दोस्तों मैं यहां पर वोकल्स की बात करूं तो वोकल्स इसके काफी क्लियर रहते हैं, 80% वॉल्यूम तक वोकल्स काफी ज्यादा क्लियर रहेंगे, 100% वॉल्यूम पर आपको थोड़ा बहुत डिस्टॉर्शन देखने को मिलेगा साउंड के अंदर, लेकिन 100% पर ये काफी ज्यादा लाउड हो जाता है, उतनी लाउडनेस की आपको कभी जरूरत नहीं पड़ने वाली। कनेक्टिविटी ऑप्शंस की मैं बात करूं तो ब्लूटूथ 4.0 का सपोर्ट यहां पर देखने को मिलता है, ऑक्स केबल के थ्रू इसे यूज कर सकते हैं, RCA का सपोर्ट है, USB का सपोर्ट है, SD कार्ड का सपोर्ट है, और साथ ही यहां पर आपको इनबिल्ट FM भी देखने को मिल जाता है। सिस्टम के ओवरऑल वेट की मैं बात करूं तो 6 किलो के आसपास इसका वेट आपको देखने को मिलता है, और 6,499 रुपए की प्राइसिंग में आप इसे अमेजोन से परचेस कर सकते हैं, लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। अगले और दूसरे सिस्टम के बारे में बात करें तो ये आता है सोनी की तरफ से, सोनी SAD20। यहाँ पर दोस्तों ये एक 2.1 चैनल आपको देखने को मिलता है, यानी कि 2 सैटेलाइट स्पीकर देखने को मिलते हैं और एक सबवूफर यूनिट देखने को मिलती है, फ्रंट फायरिंग सबवूफर स्पीकर दिया गया है, और दोनों सैटेलाइट पर आपको सोनी की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है, मेन कैबिनेट पर भी सोनी की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है, फ्रंट में आपको बेस आउट होल देखने को मिलता है और कुछ कंट्रोल्स देखने को मिल जाते हैं। और यहां पर मैं बिल्ड क्वालिटी की बात करूं तो सैटेलाइट स्पीकर आपको प्लास्टिक के देखने को मिलते हैं और कैबिनेट आपको वुड पर देखने को मिलता है, तो ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी आपको यहां पर काफी अच्छी देखने को मिल जाती है। इसके अलावा मैं यहां पर बात करूं इसकी साउंड क्वालिटी की तो आपको 6.5 इंच का यहां पर बेस देखने को मिलता है, और इसके अलावा आपको यहां पर 3-3 इंच के फुल रेंज सैटेलाइट स्पीकर देखने को मिलते हैं। और साउंड क्वालिटी दोस्तों यहां पर सोनी का सिस्टम है इसलिए आपको साउंड क्वालिटी काफी अच्छी देखने को मिलेगी, साउंड क्वालिटी में कोई भी कंप्रोमाइज नहीं है, और 100% वॉल्यूम पर भी दोस्तों इसके अंदर ज्यादा डिस्ट्रक्शन आपको देखने को नहीं मिलता, साउंड काफी क्लियर रहता है। और बेस की मैं बात करूं तो बेस वोकल्स के साथ में बैलेंस्ड होकर के आता है और आपको काफी अच्छा बेस देखने को मिलता है, बस यहां पर आपको कंट्रोल्स के अंदर बेस को कंट्रोल करने का ऑप्शन नहीं मिलता, बेस जो इसके सिस्टम के अंदर इनबिल्ट आता है वही आपको बेस देखने को मिलेगा, अपने हिसाब से आप बेस को इंक्रीज या डिक्रीज नहीं कर सकते, ये इसका बहुत बड़ा माइनस पॉइंट है। कनेक्टिविटी ऑप्शंस की बात करें तो यहां पर आपको USB का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, ऑक्स केबल के थ्रू इसे चला सकते हैं, ब्लूटूथ वर्जन आपको यहां पर बहुत ही पुराना देखने को मिलता है, ब्लूटूथ 2.1 का सपोर्ट देखने को मिलता है। और दोस्तों अगर आप एक बार ब्लूटूथ कनेक्ट करने के बाद में अगर बाहर जाकर वापस अंदर आएंगे तो आपको कनेक्शन फिर से एस्टेब्लिश करना पड़ेगा, ये थोड़ी सी दिक्कत इसके साथ में रहती है। हाँ, अगर आप इसे टीवी के साथ या लैपटॉप के साथ कनेक्ट करके चलाना चाहते हैं और पास में रख के चलाते हैं तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है।
लेकिन अगर आप स्मार्टफोन से चलाएंगे और घर के अंदर बाहर आते जाते रहते हैं तो फिर आपको कनेक्शन बार बार एस्टेब्लिश करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। और इसके अलावा अगर आप केबल कनेक्टिविटी से इसे चलाना चाहते हैं फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सबसे बेस्ट सिस्टम ये रहने वाला है। और 7,500 रुपए की प्राइस के आसपास आपको अगर अच्छा सिस्टम चाहिए तो फिर ये सिस्टम काफी अच्छा रहेगा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर मैं इसके वेट की बात करूं तो 7 kg के वेट के साथ में आता है और 7,490 रुपए की करंट प्राइस में आप इसे अमेजोन से परचेस कर सकते हैं। लिंक मैंने इसका भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और अगर इस सिस्टम को परचेस नहीं करना चाहते तो फिर ये तीसरा वाला सिस्टम आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा। ये आता है ओबेज की तरफ से, ओबेज HT144। और ये सिस्टम दोस्तों जिस प्राइस में आता है उससे कहीं ज्यादा प्राइस को ये जस्टिफाई करता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों स्पीकर की फिजिकल डिजाइन की, तो कुछ ऐसे डिजाइन में आपको स्पीकर देखने को मिलता है। 2.1 चैनल सिस्टम है, यहाँ पर आपको 2 सैटेलाइट देखने को मिलेंगे, लेकिन सैटेलाइट के ऊपर भी आपको 2 ड्राइवर देखने को मिलते हैं। और सब वूफर पर दोस्तों आपको एक बड़ा सा सब वूफर देखने को मिलता है जो कि पूरा का पूरा वुड पर बना हुआ है। यहाँ पर आपको फ्रंट फायरिंग सब वूफर देखने को मिलता है और एक बेस आउट होल देखने को मिल रहा है और कुछ कंट्रोल्स देखने को मिल जाते हैं। और ओवरऑल में इसके साउंड क्वालिटी की बात करूं तो आपको 2.5 इंच के ट्विटर देखने को मिलेंगे, 3-3 इंच के 2 फुल रेंज सैटेलाइट स्पीकर देखने को मिलेंगे और 6.5 इंच का सब वूफर देखने को मिलता है। तो सब वूफर का साइज यहां पर काफी अच्छा रखा गया है। और ओवरऑल में साउंड क्वालिटी की बात करूं दोस्तों तो ओवेज के सिस्टम की ये खासियत होती है कि ये बहुत ज्यादा लाउड नहीं होते हैं। लाउडनेस आपको यहां पर इसके सिस्टम के हिसाब से 100 वाट RMS के साथ में आता है, उस हिसाब से यहां पर आपको लाउडनेस कम देखने को मिलेगी, लेकिन साउंड के अंदर क्वालिटी देखने को मिलती है। 100% वॉल्यूम पर भी आप इस सिस्टम को प्ले करते हैं तो बिल्कुल 0 डिस्ट्रक्शन यहां पर आपको देखने को मिलेगा, यानी कि कोई भी डिस्टरबेंस नहीं देखने को मिलेगा साउंड के अंदर। और आप अगर क्वालिटी म्यूजिक सुनना पसंद करते हैं तो फिर ये सिस्टम आपके लिए सबसे बेस्ट रहने वाला है। यहां पर आपको फ्लैट सिग्नेचर देखने को मिलता है, यानी कि म्यूजिक जैसा कंपोज हुआ वैसा का वैसा ही आपको सुनने को मिलेगा। न तो यहां पर आपको बूस्टेड बेस देखने को मिलती है और न ही यहां पर आपको फेक बेस देखने को मिलती है, बेस आपको यहां पर बहुत ही डिसेंट देखने को मिलती है। साउंड क्वालिटी ओवरऑल बहुत ही अच्छी रहने वाली है। इसके अलावा मैं यहां पर इसका कनेक्टिविटी ऑप्शंस की बात करूं तो ब्लूटूथ 5.0 का सपोर्ट देखने को मिलता है, ऑक्स केबल से चला सकते हैं, RCA पोर्ट दिए गए हैं और USB पोर्ट भी दिया गया है, तो यहां पर आप पेन ड्राइव या USB से भी इसे चला सकते हैं। तो कनेक्टिविटी ऑप्शंस के सारे ही यहां पर आपको देखने को मिल जाते हैं। सिस्टम के ओवरऑल में वेट की बात करूं तो 16.5 किलो का पूरा सिस्टम आपको यहां पर देखने को मिलता है, बहुत ही भारी भरकम सिस्टम है। और ऐसा इसलिए क्योंकि यहां पर आपको 12mm MDF वुड पर पूरा का पूरा सिस्टम देखने को मिलता है, इस वजह से इसका वेट ज्यादा हो जाता है और इसी वजह से इसकी साउंड क्वालिटी भी आपको काफी अच्छी देखने को मिलती है। तो बिल्ड क्वालिटी आपको यहां पर बहुत ही स्ट्रांग देखने को मिलेगी, साउंड क्वालिटी बहुत अच्छी देखने को मिलेगी। प्राइसिंग की मैं बात करूं तो करंट प्राइस 6,399 यानी 6,400 रुपए का चल रहा है और इस प्राइस के हिसाब से यह सिस्टम अपने आप में काफी अच्छा है। लिंक मैंने इसका भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगले और चौथे सिस्टम के बारे में बात करें तो यह आता है पेनासोनिक की तरफ से, पेनासोनिक SCHT40GWK। तो ये एक 4.1 चैनल होम थिएटर सिस्टम है। सबसे पहले बात करें इसके डिजाइन की तो डिजाइन आपको यहां पर कुछ ऐसा देखने को मिलता है, पूरा का पूरा सिंपल आपको डिजाइन यहां पर देखने को मिल रहा है। सैटेलाइट स्पीकर और सब वूफर चारों के चारों आपको एक जैसे डिजाइन में देखने को मिलते हैं। फ्रंट में आपको एक ग्रिल देखने को मिलती है जिसके पीछे सब वूफर लगा हुआ है। और बिल्ड क्वालिटी की हम बात करें तो आपको कैबिनेट वुड का देखने को मिलता है, सैटेलाइट स्पीकर प्लास्टिक पर देखने को मिलते हैं। और साउंड क्वालिटी की मैं यहाँ पर बात करूँ तो इसके स्पीकर के डायमीटर का साइज यहाँ पर पता नहीं चल पाया है, ब्रांड ने कहीं भी मेंशन नहीं किया है, लेकिन इसके मैं RMS पावर आउटपुट की बात करूँ तो 80W RMS पावर आउटपुट के साथ में ही आता है। तो इस हिसाब से दोस्तों सिस्टम यहाँ पर ठीक ठाक रहने वाला है और साउंड क्वालिटी भी आपको यहाँ पर डिसेंट देखने को मिल जाती है। कनेक्टिविटी ऑप्शंस की बात करें तो ब्लूटूथ के साथ में आपको सारे कनेक्टिविटी ऑप्शंस यहां पर देखने को मिल जाते हैं। और प्राइसिंग की मैं बात करूं तो करीब 7,000 रुपए के आसपास इसकी प्राइस रहती है, तो अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो इसे परचेस कर सकते हैं। मेरे हिसाब से इस स्पीकर को आपको इग्नोर करना चाहिए क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इसकी साउंड क्वालिटी इतनी ज्यादा बेटर होगी। तो यहां पर इस प्राइस रेंज में ये स्पीकर आ रहा था इसलिए मैंने यहां पर इंक्लूड कर दिया है, लेकिन आप इसको स्किप कर सकते हैं। अगले और आखिरी साउंड सिस्टम की मैं बात करूं तो यह आता है फिलिप्स की तरफ से, फिलिप्स ऑडियो इन SPA 5190B। और यहां पर दोस्तों ये एक 5.1 चैनल सिस्टम है, यानी यहां पर आपको 5 सैटेलाइट स्पीकर और एक सब वूफर यूनिट देखने को मिलती है। और यहां पर डिजाइन की हम बात करें तो डिजाइन आपको इसका काफी क्लासी देखने को मिलता है, काफी अच्छा डिजाइन मुझे इस सिस्टम का लगा। और यहां पर दोस्तों कंट्रोल्स पर हम नजर डालें तो आपको सामने की तरफ एक LED स्क्रीन देखने को मिल रही है, उसी के नीचे आपको कंट्रोल्स बटन देखने को मिल रहे हैं, ऊपर की साइड में आपको एक SD कार्ड और USB का पोर्ट देखने को मिल रहा है, नीचे फिलिप्स की ब्रांडिंग देखने को मिलती है और साइड फायरिंग आपको सब वूफर स्पीकर यहां पर देखने को मिलता है, फ्रंट में बेस आउट होल देखने को मिलता है। और बिल्ड क्वालिटी की अपन बात करें तो कैबिनेट भी वुड का बना हुआ है
और सैटेलाइट स्पीकर भी यहाँ पर आपको वुड पर बने देखने को मिलते हैं। बैक साइड में वुड का यूज किया गया है, फ्रंट में थोड़ा सा प्लास्टिक का यूज किया गया है क्योंकि यहाँ पर वुड में डिजाइन इतनी अच्छी निकल करके नहीं आ पाती है। तो ओवरऑल स्पीकर का डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छी देखने को मिल जाती है। और साउंड क्वालिटी की मैं बात करूं, यहाँ पर सबसे पहले हम स्पीकर डायमीटर की बात करें तो आपको 4-4 इंच के 5 सैटेलाइट स्पीकर देखने को मिलते हैं और 6 इंच का यहाँ पर सबवूफर यूनिट देखने को मिलता है। और टोटल पावर आउटपुट की मैं बात करूं तो यहाँ पर आपको 90 वॉट RMS का पावर आउटपुट देखने को मिलता है। तो पावर आउटपुट यहाँ पर आपको काफी अच्छा देखने को मिल जाता है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर मैं कनेक्टिविटी ऑप्शंस की बात करूं तो कनेक्टिविटी ऑप्शंस आपको सारे ही देखने को मिल जाते हैं। ब्लूटूथ का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, USB SD कार्ड से यूज कर सकते हैं, RCA से चला सकते हैं, ऑक्स केबल से चला सकते हैं। इसके अलावा सिस्टम के वेट की मैं बात करूं तो लगभग 9.5 किलो के आसपास इसका वेट है, यानी कि बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छी है, इसलिए यहाँ पर आपको वेट थोड़ा सा ज्यादा देखने को मिलेगा। और प्राइस की मैं बात करूं तो 6,800 रुपए के आसपास अभी इसका करंट प्राइस चल रहा है। इस प्राइसिंग पर आप इस सिस्टम को परचेस कर सकते हैं। सभी के सभी सिस्टम के लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। अब यहाँ पर मैं अपने ओपिनियन की बात करूं इस पूरी लिस्ट में तो सबसे पहले मैं नंबर 1 प्रायोरिटी पर रखूंगा ओबेज के HT144 को, क्योंकि यहाँ पर आपको काफी अच्छा साउंड देखने को मिलता है अगर आप एक गुड लिसनर हैं तो। और दूसरे नंबर पर मैं रखूंगा यहाँ पर सोनी SA-D20 को। और तीसरे नंबर पर रहेगा यहाँ पर FND की तरफ से आने वाला सिस्टम, और फिलिप्स और पेनासोनिक के सिस्टम को आप चौथे और पांचवें नंबर पर रख सकते हैं। तो इस हिसाब से दोस्तों आप अपने हिसाब से जो भी सिस्टम आपको पसंद आए वो परचेस कर सकते हैं, लिंक मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। और दोस्तों इसके अलावा आपका बजट अगर 10,000 रुपए से नीचे और भी कम है तो मैंने 3 से 10,000 रुपए की प्राइस रेंज के बीच में 3-3 अलग अलग वीडियो बनाए हुए हैं, तो आप उन्हें भी जाकर के देख सकते हैं, लिंक मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड के साथ में, और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।